लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। नमस्कार बीबी न्यूज में आपका स्वागत है। 20 के नोट का रंग गुलाबी क्यों होता है? क्यों लिखते हैं कि मैं धारा को 20 रुपए अदा करने का वचन देता हूं? 20 के नोट गुलाबी होने के पीछे एक दिलचस्प कहानी है जो इंदिरा गांधी से जुड़ी है। डंडा सपाचय। उन्होंने 20 रुपए के नोट को जारी करने से पहले एक मीटिंग बुलाई थी जिसमें ये फैसला लिया जाना था कि नोट का रंग कैसा होना चाहिए। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्य सचिव पीडी कासबेकर भी मीटिंग में शामिल थे। बैठक के बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ लेकिन काफी देर बाद भी कोई भी फैसले पर नहीं पहुंच पा रहा था। तभी अचानक सबने देखा कि इंदिरा की नज़र कासबेकर की जेब की तरफ है। वो एकटक बस जेब को ही देखे जा रही थी। किसी को समझ नहीं आया कि आखिर इंदिरा कासबेकर की जेब में क्या देख रही है। इंदिरा ने कासबेकर से कहा कि उनकी जेब में जो लिफाफा रखा है उसे बाहर निकालें। लिफाफे की तरफ इशारा करते हुए इंदिरा ने कहा कि मुझे ये रंग पसंद है, 20 का नोट भी इसी रंग का होना चाहिए। दरअसल वो लिफाफा एक शादी का कार्ड था। आजादी के बाद पहली बार RBI ने 1 जून 1972 को गुलाबी रंग में 20 रुपए का नोट छापा। क्यों लिखा होता है मैं धारक को 100 रुपए देने का वचन देता हूँ? RBI जितने की करेंसी प्रिंट करती है उसी कीमत का गोल्ड अपने पास सुरक्षित रखती है। यानी RBI अगर 10 का नोट छाप रहा है तो उतने का सोना अपने पास रखती है। यही वजह है कि हर नोट पर लिखा होता है कि मैं धारक को वचन देता हूँ, जिसका मतलब है कि वो धारक को विश्वास दिलाता है कि अगर आपके पास 100 रुपए हैं तो रिजर्व बैंक के पास 100 रुपए का सोना रिजर्व है।